अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल जनाब, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आई होप यू ऑल आर फाइन। से यस, अल्हम्दुलिल्लाह, वी ऑल आर फाइन। वेरी गुड जनाब। आज हम क्या करेंगे? आज हमने कल एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, डेट इज़ चैप्टर 13, इज़न्ट इट? हमने उसके न्यू वर्ड्स फाइंड आउट करे थे एंड आई होप आप लोगों ने वो वर्क कंप्लीट भी कर लिया होगा, टीचर को भी चेक करवा दिया होगा। वेरी गुड। आज हम उसकी स्टोरी टेलिंग करेंगे, ठीक है? अच्छा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? इंडस्ट्री, ठीक है? और यहाँ पर कौन से शहर का जिक्र किया गया है पाकिस्तान के, जो कि इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा फेमस है? डैट इज़ फैसलाबाद। और फैसलाबाद में जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्री के लिए फेमस है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। वहीं से कपड़ा बनता है और पूरे पाकिस्तान में भेजा जाता है, ठीक है? अच्छा, चलें अब हम इसकी स्टोरी टेलिंग करते हैं। फैसलाबाद इज़ फेमस फॉर टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इज़ फैब्रिक। इट इज़ यूज्ड टू मेक ड्रेसेस, पिलोस, कर्टन्स एंड मैनी अदर थिंग्स। आपको पता है ना कि फैसलाबाद जो है वो किन किन चीज़ों के लिए फेमस है? टेक्सटाइल के लिए। और टेक्सटाइल क्या है? फैब्रिक है, ठीक है? और फैब्रिक से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? हमारे ड्रेसेस बनते हैं, पिलोज, बेड शीट्स, कर्टन्स, कवर्स, ये सब किससे बनते हैं? फैब्रिक से बनते हैं। फैसलाबाद हैज़ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। फैसलाबाद में क्या है कि लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री मौजूद है, इज़न्ट इट? लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, ठीक है? अच्छा, एन इंडस्ट्री यूजेस मटेरियल्स टू मेक यूज़फुल थिंग्स फॉर अस। इंडस्ट्री में डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि अच्छी सी अच्छी चीज़ें हमारे लिए बनाई जा सकें। कॉटन इज़ अ मटेरियल यूज्ड इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अच्छा, कॉटन यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसे हम रुई कहते हैं, वो यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से के लिए। द कॉटन इज़ चेंज इंटू थ्रेड। द थ्रेड इज़ चेंज्ड इंटू फैब्रिक। सबसे पहले क्या किया जाता है? कॉटन जो है वो चेंज किया जाता है किस में? थ्रेड में। और फिर थ्रेड जो है वो कन्वर्ट होता है फैब्रिक में। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अ पावर लूम इज़ यूज टू टर्न द थ्रेड इंटू फैब्रिक। वन पावर लूम इज इन फैसलाबाद वुड लाइक टू टेल यू द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है? पावर लूम यूज़ किए जाते हैं जो कि टर्न करते हैं थ्रेड को फैब्रिक में। बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो कि कन्वर्ट कर रही होती हैं थ्रेड को फैब्रिक में, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर हमारे पास पावर लूम है जो बता रहे हैं कि किस तरीके से पावर लूम में ही कन्वर्जन की जाती है। 10 years back आई वॉज brought to Lucky Textile Mill, यानी कि अब पावर लूम आपको बता रहे हैं कि भाई उनके साथ क्या क्या प्रोसेस किए जाते हैं और किस तरह से उन पर वर्क किया जाता है, ठीक है? अच्छा, 10 years पहले पावर लूम जो है वो कौन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आए थे? लकी टेक्सटाइल मिल में। देर वर 24 others लाइक मी इन द मिल। यानी कि पहले से ही 24 पावर लूम जो हैं वो लगे हुए थे। वर्किंग हेयर वॉज फन, लॉट्स ऑफ थ्रेड्स वेंट इनटू मी एंड फाइनेस्ट फैब्रिक केम आउट। भाई पावर लूम बता रहे कि भाई वर्किंग करना यानी काम करना यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उन्हें बहुत मज़ा आता है। वह यहाँ पर बहुत सारे धागे हैं जो कन्वर्ट किए जाते हैं फैब्रिक में। I was busy working day and night, but she operated me during the day, while at night Adnan was my operator. अच्छा, यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई मैं दिन और रात वर्क करता हूँ, यानी पावर लूम से दिन और रात पूरे दिन पूरे रात काम लिया जाता है, ठीक है? दिन में कौन ऑपरेट करता है? बशीर। और रात में अदनान। बोथ ऑपरेटर्स टेक गुड केयर ऑफ मी, यानी कि दोनों ऑपरेटर्स जो हैं वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। दे ऑयल्ड मी एंड चेंज्ड एनी पार्ट दे डिड नॉट
डैट डिड नॉट वर्क प्रॉपरली। वो ऑयलिंग भी करते हैं मशीन्स को, हम लंबे अरसे तक ऑयलिंग करके ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ बढ़ जाती है। और वो हमेशा वो पार्ट चेंज कर देते थे जो काम नहीं कर रहा होता था। बट समथिंग टेरिबल हैपेंड टू ईयर्स बैक। अच्छा, 2 साल पहले क्या हुआ था भाई, अब हम भी पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, अचानक लाइट चली गई। आई स्टॉप वर्किंग एंड सो डिड ऑल द अदर लूम्स इन द मिल। क्या हुआ कि जब लाइट चली गई तो मैंने काम करना छोड़ दिया और इसी तरीके से तमाम लूम्स ने भी काम करना छोड़ दिया। वी वर शॉक्ड, हम हैरान रह गए। That day I made only half the amount of fabric I used to make। उस दिन क्या हुआ था, सिर्फ उन्होंने आधा काम किया था, यानी कि आधा फैब्रिक ही बनाया था। Then there were power shortages all the time। यानी कि पावर शॉर्टेजेस, सही तरीके से बिजली नहीं आ रही थी और ये जो है हर वक्त का शुरू हो गया था कि थोड़ी देर के लिए बिजली आती थी और फिर चली जाती थी, फिर बिजली आती थी और चली जाती थी। ड्यू टू पावर शॉर्टेजेस द ओनर क्लोज द नाइट शिफ्ट। अदनान लॉस्ट हिज जॉब। पावर शॉर्टेजेस यानी कि बिजली नहीं आती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ओनर थे उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, उन्होंने क्या किया, नाइट शिफ्ट को क्लोज कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। जिसका नतीजा क्या हुआ कि जो ऑपरेटर थे अदनान, उनकी जॉब चली गई। 6 months back there was even less electricity available for me। 6 महीने पहले भी बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी इनको मिली थी। बशीर वॉज वरीड ऑल द टाइम। अब बशीर हर वक्त परेशान रहते थे क्योंकि अदनान की पहली जॉब चली गई थी। ही कुड नॉट अर्न वॉट ही वॉज अर्निंग बिफोर। अच्छा, वो उतना नहीं कमा पा रहे थे जितना वो पहले कमाते थे। फाइनली लास्ट वीक द ओनर हैड टू शट द मिल। Bashir leaned on me and cried, "Now the mill is all dark. We are dead without electricity." फिर क्या हुआ कि आखिरकार ओनर ने मिल को बंद कर दिया, जिसकी वजह से बशीर की भी जॉब चली गई। बशीर जो है वो पावर लूम से लिपट कर रोने लगे, ठीक है, उन पर बैंड होकर वो रोने लगे। और फिर क्या हुआ कि वहाँ पर अंधेरा छा गया। आपको पता है ना, जो ऑल मशीन्स हैं वो ऑपरेट की जाती हैं किससे, इलेक्ट्रिसिटी से, यानी बिजली से वो ऑपरेट की जाती हैं। अगर बिजली नहीं होती होगी तो क्या होगा, मशीन्स अपना वर्क नहीं करती हैं। जब तक उन्हें पावर सप्लाई नहीं मिलता है वो अपना वर्क नहीं करती हैं। और जब मिल्स को अगर पावर सप्लाई नहीं मिलेगी तो ऑफकोर्स वर्क नहीं होगा, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनकी जॉब चली जाती है और ओनर्स को बंद करना पड़ता है। बहुत सारे वर्कर्स हैं जो जॉबलेस हो जाते हैं। तो यही वजह है कि हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खुद ही प्रोड्यूस करनी चाहिए, ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो हमेशा चलती रहे और पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन रहे। ठीक है, बहुत अच्छी सी स्टोरी थी, आपने सुना, आपने अपनी क्या अपनी टीचर के साथ भी आपने डिस्कस करना है जब वो आपको कॉल करेंगे। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।